को पूरी तरह से उसमें मेरी संतुष्टि नहीं हो जाए। मेरी आदत शुरू से ये रही है कि कोई भी नई चीज में या कोई भी नई बात में उसके रूट जोन तक पहुंचना, जी पूरा पता करना और फिर उसको करने लायक हो तो करना चाहिए। अच्छी बात ये रही कि बाबूजी के जो तीनों बालक हैं बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, उनके पास हम चलेंगे, बातचीत करेंगे और तीनों के तीनों बाबूजी के कार्य में ही अपने जीवन को लगाए हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ईश्वर की कृपा है। नहीं तो कई बार माता पिता एक स्टार्टअप शुरू करते हैं और बच्चा कहता है हमसे नहीं होगा, हमारा स्टाइल कुछ और है, हमको कुछ और तरीके से ज़िंदगी जीनी है। और अच्छी बात है कि इस परिवार की जो तीसरी पीढ़ी की पहली बहू है, पहली है ना, वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। उनसे सीधे आपको मिलाते हैं, फिर उनकी सासू अम्मा लोगों से मिलाएंगे। और अभी हमने स्वामी जी, जी जी, अभी हमने बाप बेटों ने तय किया है कि ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ा जाए। बहुत अच्छा, तालियां। तो हम अभी बहुत जल्दी यानी महीने दो महीने के अंदर ऑर्गेनिक का सारा प्लांट लगाने वाले हैं और उसको शुरू करने वाले हैं। और एक आदर्श तरीके से, क्या नहीं ये समझो कि आप इस ढंग से, मतलब शायद देश में कोई भी नहीं कर रहा है। और एक नए ब्रांड को लॉन्च करेंगे, ठीक है। हाँ, वो भी रिटेल दुनिया में। हम हर जगह आउटलेट मत खोलिए, ऐसा नहीं कह रहे हो, बहुत बहुत मुश्किल वाला काम है। पर ऑनलाइन मार्केट के आ जाने से आपका कोई भी उत्पादन अगर गुणवत्ता से युक्त है तो दुनिया भर में उसे पहुंचाया जा सकता है, बेचा जा सकता है। सही बात है ना। तो ये मार्केटिंग गुरु हैं, घर की बहुरानी, नई पीढ़ी की दुल्हन। हाँ, और यही इस परिवार के, इस प्रकल्प के व्यवसायिक जो ताना बाना है, स्ट्रैटेजी है, वो प्लान करने में आपको सबसे अधिक मदद देने वाली है ना। बिल्कुल। तो आपने सोच समझ के बहू को लाया है। बिल्कुल। अगले मिशन पर इनको लगा देना है। अच्छा, ये जो मेरा पोता है, हाँ, ये भी मतलब MBA है। वाह, आपका विषय क्या रहा है? ये मार्केटिंग। दोनों मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तब तो आप 200% स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत अच्छा। अच्छा, हमारे साथ सूरज जी हैं, सूरज जाट जी। सूरज जी हमारे साथ दो दिन से लगातार आप देख रहे होंगे फेसबुक लाइव में। कल हम लोग रास्ते में चलते चलते ये बात एक दूसरे से कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि आज हम सब जान रहे हैं कि जो कुछ भी सेवन कर रहे हैं भोजन में, खाद्य सामग्री में, मिलावट का ऐसा असर उसमें है कि सचमुच वो दिखने में भोजन जैसा है लेकिन वास्तव में जहर की वो पूरी सामग्री है ना, खिचड़ी है। तो कुछ लोग ऐसे सामने आए जो एक नए तरह का प्रयोग करें। ये प्रयोग बहुत रिस्की भी है क्योंकि तुरंत हमें सस्ती चीज़ें खाने की आदत है, बस चिकनी साफ सुथरी दिखे और सस्ती दिखे। लेकिन अभी समाज में एक वर्ग ऐसा है बाबूजी, जो ईश्वर कृपा से थोड़े सक्षम लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम डायमंड न पहने, गोल्ड न पहने, लेकिन खाना ऐसा खाएं कि उस खाने की वजह से अस्पताल में जाके हर साल बड़ी बड़ी धनराशियों में बिल का भुगतान न करें। तो आप सबको जागरूक करने के लिए ये थोड़ा सा प्रवचन हम दे रहे हैं। हालांकि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, एक बहुत बेसिक समझ की बात कर रहा हूँ कि अगर शुद्ध चीज़ें हम अपने जीवन में रखेंगे, अपने जीवन में शामिल करेंगे, चाहे वो वैचारिक धरातल पर हो या खाद्य सामग्री के धरातल पर हो या घर की जो प्रकृति है, तो हमारे जीवन और सुंदर होगा, सुखदायी होगा। और जो जीवन में हम सुकून की तलाश करने के लिए दर दर भटकते रहते हैं ना, शुरू में लगता है कि बहुत बड़ा घर हो, बहुत ढेर सारा पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, ढेर सारे लोगों से जान पहचान हो, तो बस जीवन का मौज हो जाए। ऐसा नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति तनाव से जूझता रहता है। तो फिलहाल एक जो लाइफ का पार्ट है फूड, अगर वो साफ सुथरा और शुद्ध है, वो रासायनिक खादों से अगर मुक्त खाद्य सामग्री आपको मिल रहा है, तो आपके वो शरीर के भीतर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उस दिशा में बाबूजी काम करने के लिए पूरी योजना बनाए हुए हैं, तो आप सब बधाई दीजिए। और इस दिशा में अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो बाबूजी का नंबर हम एक आपके, मतलब जो वीडियो देख रहे हैं उसमें कैप्शन में शेयर करेंगे। आप एक दूसरे से इंटरैक्ट करके अपने अनुभव को, अपने संसाधनों को शेयर कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि कुछ आइडिया है, हम चाहते हैं कि मेरे इस आइडिया से जुड़ी हुई कोई आइडिया रखने वाले व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, तो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स वाला जो है अप्रोच काम आ जाता है। अब हम सीधे बहू बेटे से परिचय करा दिए, नाम हला हम उनका नहीं जाने, अभी थोड़ी देर में नाम भी जान लेंगे।
लेकिन तीनों जो बालक हैं बाबूजी के पुत्र, उनसे मिलेंगे, उनकी बहू रानियों से मिलेंगे, ठीक है, उनकी दुल्हन लोगों से। सबसे बड़े बेटे से मिलते हैं, इधर नमस्ते, नहीं वहीं बैठे बैठे बात करते हैं, नर्मदे हर। ये जो शर्ट पहने ना, एक तरफ माता जी हैं, माता जी का नाम क्या है अम्मा का? पार्वती देवी। पार्वती, पार्वती कैसी है पार्वती? तो पार्वती जी के एक तरफ पार्वती जी के पुत्र हैं और दूसरी तरफ पार्वती जी के पुत्र हैं, और ठीक बाजू में पार्वती जी की बड़ी बहू है। आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता, और आपका? मुकेश। मुकेश जी, एक तो सुनीता मुकेश जी हो गए जो सबसे बड़े पुत्र बहू हैं, और दूसरे जो हैं साथ में बैठे हैं, नमस्ते करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आपकी बात हो रही है। हाँ, ये पति पत्नी दूसरे जने हैं, नाम भी बता दीजिए। राजेंद्र पाटीदार। शारदा जी, राजेंद्र जी LLB आपने किया है ना, और एक दिन भी प्रैक्टिस करने इसलिए नहीं गए क्योंकि पिताजी चाहते थे कि झूठ झूठ करके, झूठ बोल करके, हाँ हाँ, और जो है गुनहगार को बेगुनाह साबित करके तुम पैसा कमा के अपनी जिंदगी मत जियो, एक किसानी करके, खेती करके मौज की जिंदगी जियो, ठीक है। तीसरे पुत्र हैं नर्मदे हर, बड़े सॉलिड है ना ये। हाँ, शैलेंद्र जी, और आपकी दुल्हन किरण जी। तो ये तीन बच्चे लोग हो गए, और इधर बहू और नर्मदे हिमांशु पाटिल, हिमांशु जी, और साथ में श्रुति पाटिल। अच्छा, आपका जो अध्ययन विषय है वो बताइए, आपका क्या विषय रहा अध्ययन का? मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। हाँ, 85-86 में। जी जी, और उसके बाद आकर के मैंने भी एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं, ये काम नहीं करना है आप लोगों को, मेरे साथ खेती में ही नाम कमाना है। हाँ, और इस दिशा में मुझे भी इसी में कार्य में लग गया। हाँ, कार्य में ही लगा दिया। और बहू रानी आपकी दुल्हन? आप तो हाउस वाइफ जैसा। हाँ, कई काम हमारे। हाँ, महिलाओं का, हालांकि खेत में। तो इस परिवार में हमें लगता है महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता भी होगी, आजादी भी होगी। हाँ, आप बिना पति के लिए कभी शॉपिंग करने जाते हैं कि लेके ही जाते हैं? अकेले शॉपिंग करने जाते ही नहीं जाते शुरू से? बहुत बढ़िया, तो इसके लिए ताली। और अम्मा ने आपको डांटा टकनी, क्या कर रहे हो ये समा आए जो? अम्मा ने तो अच्छा रखा, लड़कियों जैसा। हाँ, बेटी जैसा रखा। हाँ, बेटी जैसा, बेटी नहीं थी, बेटी जैसा। आए हाय हाय, हाँ ये बात है। अभी नई पीढ़ी में आप लोगों के शरीर से बच्चे तो एक हैं, और उसके अलावा कौन कौन है? बड़ी बड़ी बेटियां हैं मेरी। हाँ, खुशबू हार्दिक पटेल करके बड़ोदरा उसकी शादी की है। ठीक है। और राजेंद्र की भी बड़ी बेटी ऐश्वर्या। हाँ, वो इंदौर में। ऐश्वर्या पाटिल जी जी जी, ऐश्वर्या सावंत जी, वो इंदौर में है। ठीक, वो इंदौर में। और शैलेंद्र का केवल एक ही लड़का है। हाँ, हाँ। वो आर्किटेक्ट है। अरे वाह वाह वाह। वो फिलहाल थोड़ा ये बोल रहा है कि थोड़े समय प्रैक्टिस कर। हाँ, तो वो इंदौर है फिलहाल। एक मेरा छोटा बेटा भी है ऐश्वर्या से, छोटा वासु। जी जी जी, जो अभी पढ़ाई कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। MBA कर रहा है। तो जो आर्किटेक्ट है ना, उसको उसको अपने फॉर्म के आर्किटेक्ट वर्क में लगाइएगा, ठीक है, और उसको थोड़ा फ्रीडम दीजिएगा कि अगर उसको कोई क्लाइंट काम कराने के लिए ऑफर करता है तो बीच बीच में कराए, और बाद में कृषि भी करे, और बाकी उसकी दिलचस्पी है तो ठीक है। वो मेरी बेटी भी आर्किटेक्ट है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए, अच्छा ये जो घर बना है, इतना सुंदर घर है यार, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है सिनेमा इंडस्ट्री में कोई शूट करने वाला बंगला है। हाँ, तो आपको तो अपने पति से अच्छा आपको ये पति का घर लगता होगा ना। घर सुंदर जब होता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है एक अच्छा घर जब आपके जीवन में होता है ना, तो आपका जो थकान होता है और जो आपकी मानसिक पीड़ा होती है, जब उस घर में आते हो तो बहुत हद तक उससे आपको निजात मिलता है और खुशी होती है। रहने का पूरा व्यवस्थित जो आपका ये ठिकाना होता है, घोसला होता है, कोई ऐसी बात किसी के मन में पीछे? हाँ, वो मेरे स्टाइल, ऐसे आजकल बच्चे झूलते रहते हैं ना। तो एक टेक देने के लिए और पोस्चर को एडॉप्ट करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। कोई ऐसी बात आपके मन में कृषि से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड, समाज से जुड़ा हुआ जो आप कहना चाहते हो, जिसे आप साझा करना चाहते हो,
वो जरूर कहिए। और हम किसी डिस्कोर्स में बाधना नहीं चाहते, किसी भी व्यक्ति के अनुभव को बहुत थोड़े समय में जाना नहीं जा सकता, लेकिन अगर एक ओपन स्पेस उनको देते हैं तो उन्हें जो जो अनुभव याद आता है वो सब हमें साझा करते हैं। आप सब के हवाले ये माइक है, बाबूजी आपके हवाले भी, ये अभी तक भूमिका की बातें रही और बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं। और आपको एक जो बात खास मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारे जहन में किसान आता है ना, तो हमको ये लगता है कि वो दो बैल के साथ जुता हुआ एक हल, पसीने से तर बदर, हाँ क्या तर मतलब भीगा हुआ बदन, एक पुरानी सी धोती लिपटी हुई, अमूमन पिक्चर में इसी रूप में किसान को दिखाया जाता है। और अगर कोई बहुत धनाढ्य किसान दिखाते तो धनाढ्य किसान का वो जो रूप होता है उसको वो दबंग या जमींदार जो लोगों पे जुल्म सितम ढा रहा हो, ऐसे कैरेक्टर में हम उनको ड्रॉ कर देते हैं। आज के दौर में जब किसान के जीवन को इतना उन्नत देखते हैं, जैसे कृषि उन्नत हो रही है, तो बहुत बहुत आराम मिलता है। हाँ, ये एक बड़ी विडंबना है कि किसान के जीवन का संघर्ष, उसके कार्य का जो संघर्ष है, जो उसमें चुनौतियां हैं, वो भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। हम इस बात को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि जो उत्पादन कार्य में लगे हुए लोग हैं, उत्पादन का सही मूल्य अभी भी नहीं मिलता, क्योंकि चैनल प्रोसेस ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सब विषयों से भी जुड़ी जो आपकी बातें हैं, सरकार की योजनाओं को आप बहुत करीबी से जाने हैं, समझे हैं, इतने वर्षों से कृषि कार्य कर रहे हैं, तो एक प्रतिनिधि के तौर पे क्या चाहते कि सरकार क्या क्या खास खास ऐसे कार्य हैं जो किसान के हित में जरूर करने चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ये वीडियो हमें नहीं उम्मीद करते कि प्रधानमंत्री या शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो डायरेक्टली देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं कोई कोई डायलॉग सुन करके अच्छा लगता है और वो कोई ना कोई पास आउट कर देता है। हा? तो आपकी बातें हो सकता है कहीं सही जगह पहुंच जाए, या जो पीढ़ी अभी सुन रही है वो सुन करके जब वो सक्सेस हो जाए, किसी सही जगह पर पहुंचे, तो उसको लगे कि इस विषय पर काम जरूर होना चाहिए। अब ये मंच आपके हवाले करता हूँ। दो बिंदुओं पे, हाँ बिल्कुल, एक सेकेंड है, प्रकाश डालना नहीं, ये माइक आप लीजिए, बहुत अच्छा ऑडियो इसके जरिए रिकॉर्ड होगा और जो लोग बात करना चाहेंगे वो सब लोग माइक के साथ बात करेंगे। दो बिंदु पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। वैसे मैं, जैसा कि मैंने बोला, मैं दो बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहला, एक परिवार के बारे में कि जैसे आपके माध्यम से जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे पिताश्री जैसे श्रीधर जी और माता जी पार्वती देवी, हमारा हम शुरू से बचपन से जब से परिवार में हम सब साथ में रहे, हम तीन भाई और मम्मी पापा, उसके बाद सबकी हमारी शादियां हुई और बिना किसी लड़ाई झगड़े के हमारा सतत हम कृषि कार्य में कई सालों तक लगे रहे। हमारे घर की एक खासियत रही कि एग्रीकल्चर को, खेती को लेकर भी कभी घर में हम भाइयों की भी आपस में कि किसी को क्या बोना चाहता है या क्या कोई ऑपरेशन कोई काम चल रहा है और उस बारे में अगर किचकिच भी थोड़ी सी हो गई तो हमारे इस परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शैलेन से या राजेन से छोटे से या मम्मी पापा या किसी से भी हमने आपस में बोलना कभी बंद नहीं किया और न बहुओं ने आपस में कभी बोलना बंद किया। अने कोई भी बात अगर घर में हो जाती थी थोड़ी बहुत तो हम उसमें अबोले जिसको कहते कभी नहीं रहे। उससे एक ये फायदा है, कई घरों में देखा कि एक भाई दूसरे भाई से बरसों तक नहीं बोल रहा है, भाभी भाई से नहीं बोल रही है, कोई पापा से मम्मी से नहीं बोल रहा है, इस तरह की रहती, तो एक इस चीज़ से हम ये परिवार हमेशा दूर रहा। दूसरा, पिताजी ने कम से कम 6 साल पहले बोला कि हर परिवार में जब तक झगड़े नहीं होते परिवार अलग नहीं होता। हमारी जो संस्कृति है निश्चित रूप से सामूहिक परिवार में रहना चाहिए, पर जो भी परिवार बिखरता है टूटता है तो झगड़ झगड़ के और लोगों को हंसा के अलग होता है। तो उसको देखते हुए पापा ने कि हम इतने सालों तक तीन ही बहुएँ हैं, इतने वर्षों में ये भी एक दूसरे पे झल्ला किया, ओछी आवाज़ में बहुएँ भी आपस में नहीं बोली, तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ये पीढ़ी तो सही सलामत जा रही है,
पर तुम्हारे लड़के और उनकी जब बहुएं आएगी और हो सकता है कि वो झगड़े या और उसके बाद की पीढ़ी झगड़े और झगड़ झगड़ के अलग न हो, तो कम से कम आप तीन भाई हो तो तीनों को मैं मेरे जीते जी मैं आपको अलग कर देता हूँ। तो इन्होंने फिर उसी दिशा में, चूंकि बिना झगड़े से अलग होना एक थोड़ा सा दुखदायी भी रहता है कि झगड़ के होते हैं तो इच्छा रहती है कि हम बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर अलग लेके सब अलग अलग रहें, पर उसी दिशा में फिर इन्होंने बोला कि जो भी ज़मीनें हैं, ट्रैक्टर मोटरसाइकिल वगैरह जो वाहन हैं और जो पशुधन है गाय बैल वगैरह भैंस और सभी का आप ABC तीन लॉट बनाओ। तो ये हर मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जितने भी फॉलोअर्स हैं कि कम से कम घर में मतलब इस स्थिति को थोड़ा सा देखें समझें। तो इन्होंने क्या, जनरली ये होता है कि परिवार में जो सबसे छोटा भाई रहता है उसको पहले हिस्सा उठाने के लिए कहा जाता है। इन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, तीनों का हिस्सा पहले तो आप तीन ही भाई तीन ही तुम अलग अलग अपने जमीनों के वाहनों के और जानवरों के ABC ऐसे तीन लॉट बनाओ और उसको बैलेंस करो। और ऐसे ही हमने तीनों भाइयों ने अलग अलग एग्रीकल्चर लैंड भी, जो बगीचे भी थे, थोड़ी सी खाली ज़मीनें भी थी, तीन भाग उसके ABC तीन बनाए, जो वाहन है ट्रैक्टरों के साथ मोटरसाइकिल वगैरह उसके भी ABC तीन लॉट बनाए और ऐसे ही पशुधन के भी तीन लॉट बनाए। और फिर पापा ने लॉटरी के माध्यम से एक भगोने के अंदर मटकी में 1, 2, 3 नंबर की तीन गोलियां डाली और एक में ABC डाली जमीनों की। और फिर हम तीनों भाइयों को बोला कि आप एक गोली उठाइए, सब ने तीनों ने एक एक गोली तीन गोलियां हाथ में ले ली। फिर जिसने ओपन की जिसका एक निकला उसने ABC कृषि के जो हिस्से थे उसमें से पहला उसका हो गया जो हाथ में आ गया, कोई चेंज का कोई वो नहीं जो है, क्योंकि तीनों ने बैलेंस किया। फिर पापा ने कहा नहीं, कोई हिस्सा कमजोर हो तो उसको रीबैलेंस करो, बाद में ये मत कहना कि ये कमजोरी की इसमें ये कमी है, कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने उसको बहुत अच्छा, और पापा ने भी फिर उसको देखा, तो इस दृष्टि से हमने ये ज़मीनें बढ़ गई। उसके बाद वापस 1, 2, 3 की फिर लॉटरी डली, उसमें जो वाहनों का जो था कि भाई ट्रैक्टर के साथ में ये इतनी बाइक इतना ऐसा, वो वाहनों का भी इसी तरफ से बंटवारा हुआ और इसी तरह से वाहनों का भी 1, 2, 3 में फिर वो चेंज हो गया। जिसका पहली बार मान लो मेरा एक निकला था, मेरा तीन आया दूसरे ड्रॉ में, तो मैंने लास्ट में हिस्सा जो बचा हुआ था वो मेरे हिस्से में आया। और इसी तरह से पशुधन का भी रहा। और महिलाओं ने घर का सामान क्या बांटा वो जाने, हमको कुछ नहीं पता। और हमारे काम में न महिलाओं का रोल रहा, और मकानों में भी स्वेच्छा से उसमें भी जो था हमारा यही था कि शैलेंद्र सबका यह था कि हम दोनों भाइयों की एक एक बेटियां भी थी, शादियां उनकी एक की हो गई थी, एक की होने जा रही थी, तो उस हिसाब से ये जो पहले हमने एक जो आपने जिस घर की तारीफ करी, लोग कहते थे कि गांव में इतना पैसा आप क्यों लगा रहे हैं, और हमारी ये सोच थी कि आने वाली पीढ़ियां अगर हम इंदौर में भी, हालांकि हमारा घर है मनावर में भी ज़मीनें हैं, लेकिन हमने मनावर इंदौर इसलिए नहीं ज़्यादा बड़ा घर बनाया कि आने वाली पीढ़ियां किस घर की वजह से कि इसका कोई लेवा नहीं मिलेगा, इस कारण से ज़मीनें भी बची रहेगी, कि ऐसा नहीं हो कि आगे चल के किसी उद्योग में इंडस्ट्री में जाए लॉस हो जाए, या उसके पहले वो उसको बढ़ाने के उसमें ज़मीनें बेच के पत्नियां राय दे, या बच्चा भी सोचे चलो ज़मीन बेच के कृषि भूमि बेच के हम इसमें लगा देते हैं और उसमें किसी तरह का लॉस जाए तो वापस इंसान रोड पे आ जाता है जिसका अगर कृषि भूमि नहीं है। आप बता रहे थे एक घटना, सूरज जी बता रहे थे कि अब नाम लेने की जिक्र नहीं है, बट आप संकेत कर रहे थे कि जिसके पास बहुत जमीनें थी एक समय ऐसा आया कि वो सब खत्म हो गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखते हैं कहीं व्यवहार में अशुद्धि गलत आदत। और हमारा परिवार शुद्ध रूप से प्योर वेजिटेरियन है, हम गुजराती पटेल लोग हैं। यहाँ पे जो लेवा समाज के 78 गांव सेंधवा अंजल बड़वानी मनावर कुक्षी में निवासरत है, मध्य प्रदेश के 24 जिलों में पाटीदार समाज के लोग मतलब निवास करते हैं, और सभी इसी बच्चे भी हमारे शुरू से बाहर पड़े, पर कहीं किस जिस होटल में अंडा भी अगर मिलता है तो इन्होंने वहाँ पे खाना नहीं खाते थे। और सारा जो हमारी संस्कृति के और मेरा जो आप मैंने जो एक दूसरा बिंदु कहा था, चूंकि आपने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कही थी उसके ऊपर आपके माध्यम से खाली मैं यही कहना चाहता हूँ, एक तो जैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ चूंकि शासन प्रशासन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी सभी उस दिशा में बढ़ रहे हैं,
और निश्चित रूप से सभी को ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि हम सब हमारा और अपने पूरे देश का और दुनिया का हम स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। और जहाँ तक किसानों की बात है कि हम क्या गवर्नमेंट से सरकार से हम मांग कर सकते हैं, क्या चाहते हैं, तो रेट्स वगैरह का इसका तो जहाँ तक सरकार जितना कर सकती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि एक तरफा बहुत सारी फसलें, अगर किसानों की एक टेंडेंसी है कि किसी इस साल अगर किसी चीज़ का बहुत भाव मिल गया तो सारे किसान दूसरे साल उसकी तरफ दौड़ते हैं और कई लोग उसमें लॉस में चले जाते हैं। इतना पैदावार हो जाएगा। हाँ, इसलिए एक ये ट्रेंड होना चाहिए कि जिसको कोई भी कह दे कि बोना मत, और बच्चे को भी औलाद को भी कह जाए कि ये मत बोना, उस चीज़ को जरूर बोना चाहिए, क्योंकि सब बोना छोड़ देते हैं। जी देखा देखी कर रहे हैं, देखा देखी पैदावार होगा और फिर उसमें मूल्य कम मिलेगा। हाँ, तो आपस में लोकल लेवल पे हर जोन में किसानों को इंटरेक्शन रखना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो, अच्छा ये बोल रहे हो, तो तुमने इतना पैदा किया तो हम अब कुछ ऐसा बोलते कि उसकी पैदावार हम अच्छा करें। और वैसे ही जैसे हमारे जोन में मौसम्बी, हाँ, और ये गुआवा, हाँ, पे अमरूद, हाँ, और सीताफल और नींबू और केला, ऐसी चीजें, इसको निमाड़ जोन कहते हैं। हमारा जिला धार जो मालवा रीजन में आता है, इंदौर उज्जैन वगैरह, ये मालवा रीजन में आता है, और घाट से नीचे का जो नर्मदा नदी का जो कछार है इसको निमाड़ कहा जाता है, जिसमें पूर्वी निमाड़ में जैसे खंडवा आता है और खरगोन, बड़वानी और धार जिले की ये तहसीलें जो कुक्षी है, मनावर है, धर्मपुरी है, निमाड़ में, यहाँ का लैंग्वेज अलग है, निमाड़ी बोली जाती है। जैसे गुजराती में सू थई गयो तो है, निमाड़ी में काई हुई गयो, मालवे में और अलग बोलेंगे, हाँ काई हुई गयो, हाँ क्या हो गया आपको, काई हुई गयो, ऐसा। तो यहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा हाई टेम्परेचर जाता है, ओंकारेश्वर जी से लगा करके पूरा ये जो नर्मदा ट्रैक निसरपुर तक का है। तो सरकार से यही है कि जहाँ पे जो फसलें होती है, लोगों को आम साधारण खेती के तरफ, अब सब हॉर्टिकल्चर की तरफ, फल बागवानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे पेज के पेज जा क्लस्टर देखे और वहाँ जैसे जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स गवर्नमेंट उसमें हेल्प करे और वो डाले। योजना कागजों में तो जरूर बना लेते हैं लेकिन वो किसान कर नहीं पाता, बहुत सारी मुश्किलें रहती है, लोन से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, तो उसमें गवर्नमेंट ने ज़्यादा पहल करनी चाहिए। और अलग अलग ऐसे क्लस्टर की, जहाँ रतलाम जोन है वहाँ पे क्या हो रहा है, निमाड़ में इधर क्या हो रहा है, जबलपुर साइड क्या हो रहा है, हर तरफ, हर पूरे देश में जहाँ पे जो चीज़ें होती है, जो चाइना से भी हमने देखा कि ग्रामीण उद्योग हर चीज़ के, जैसे हम सीताफल कर रहे हैं, अब हमारी ये आती कि जिसमें स्क्रेच वगैरह और जो डाउन हो जाता है उसका रेट्स हमको 25-30% 40% रेट भी नहीं मिलता। तो हमने खुद ने ये सोचा कि क्यों ना हम जो ऐसा जो सेकंड नंबर की दो नंबर का फ्रूट्स है, जो स्क्रेचेस वगैरह है, अंदर से उसका मटेरियल गुदा पूरा अच्छा है, तो क्यों ना हम उसका पल्प स्टार्ट करें। इसलिए हमने हमारी प्लानिंग में नेक्स्ट ईयर से इनके पल्प का भी सोचा है कि हम अपने करें, तो ताकि कम से कम ये जो हम एक नंबर को मार्केट में सेल करेंगे और दो नंबर मटेरियल, और जो जितना थोड़ा सा पक गया या ऐसा लूज हो गया, बादल हो गए, तो उसका सारा पल्प बना सकते हैं। तो यही है कि जहाँ जहाँ जो किसान उत्पादित कर रहे हैं उनके प्रोसेसिंग यूनिट रखे, फ्रोजन के प्लांट रखे। आसपास एरिया में चूंकि कृषि बहुत होती है, तो कोई कृषि विश्वविद्यालय ऐसा है जहाँ पर यहाँ प्रोसेस में ठीक से पढ़ाई लिखाई, नए प्रयोग? इंदौर के अलावा इधर कोई एग्रीकल्चर कॉलेज भी नहीं है। इस पर सरकार का, और बिल्कुल सरकार को निमाड़ में, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी जहाँ भी आपकी भी जो आप इस चीज को बढ़ा सकते हैं, जहां भी हाई अथॉरिटी या बड़े नेताओं से या जो बड़े संत हो या जिनके माध्यम से आप इस चीज को रख सकते हो कि निमाड़ अपने आप में एक ऐसा जोन है, आपको भी शायद जानकारी में नहीं होगा कि यहाँ पे सारी सब्जियां, सारे फल और मिर्च और कॉटन ये बहुतायत में होते हैं, जबकि मालवा में पर्टिकुलर चीज़ें हैं वही होती है, क्योंकि वहाँ सर्दी यहाँ से ज़्यादा गिरती है, तो इसलिए जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जल जाती है, उसके पत्ते जल जाते हैं, बर्फ बन जाती है, पाला पड़ता है। तो निमाड़ एक ऐसा जोन है कि यहाँ हर तरह की चीज़ होती है, यहाँ बराबर एक एग्रीकल्चर कॉलेज के साथ यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए और सारी प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह और ये भी होनी चाहिए, फ्रोजन की भी होनी चाहिए। आप अगर सच में सिस्टमेटिक तरीके से पहल करेंगे ना, सरकार को एक डॉक्यूमेंटेड प्रोजेक्ट अगर आप शेयर करते हैं, और आप लोग पति पत्नी दोनों मार्केटिंग से जुड़े हो, पढ़े लिखे हैं, आज के दौर में प्रायोगिक काम भी कर रहे हैं, तो इस पर एक प्रोजेक्ट बना के सरकार से अपील करिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से। सच्ची बताऊं, योजनाएं देंगे तो हो सकता है। इसमें स्वामी जी होता क्या है कि सरकार जो भी रहे वो थोड़ा सा अपनी पार्टी की ओर झुकती, उन किसानों से ज़्यादा संपर्क में रहती, उसका फोकस ये नहीं रहता ज़्यादा, ज़्यादातर ये देखने में आया है, 100% हम नहीं कह सकते, लेकिन कौन किसान कितना क्या कर रहा है, कितना, यहाँ तक कि कलेक्टर जैसे
हाई अथॉरिटी जिले की रहती है, उनको भी कोई पता नहीं रहता है कि कहाँ क्या क्या खेती हो रही है, कौन अच्छा कर रहा है, इस चीज़ का क्या कर सकते हैं। कागजों में जब आता है कोई मिशन चलता है, जरूर उसके लिए चार दिन दौड़ लेंगे, उसके बाद वो जीरो हो जाता है। बात को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है ना कि आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ा करके अपनी हर बात को जनता के साथ, सरकार के साथ या कोई अधिकारी तो उसके दिमाग में भी उतारना पड़ेगा, उसके दिमाग में वो प्रिंट करना पड़ेगा। भैया ये जो बता रहा हूँ आपको तो अकल है नहीं, तो हमारी बात सुनो और जब एक बार उसको समझ में आएगा जनहित के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। और एक जहां तक कोऑपरेटिव सेक्टर का है, महाराष्ट्र में आप चले जाइए, छोटे से छोटे गांव में भी आपको सहकारी समिति मिलेगी, किसानों ने बनाई। वही क्या, खाद दवाई भी खरीदते हैं उसके माध्यम से, रिजनेबल रेट में मिलती है, और फ्रूट्स वगैरह की इसकी मार्केटिंग भी करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर भी काफी है। बहुत अच्छा विषय निकल के सामने आया कि एक इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय का एग्रीकल्चर कॉलेज और विश्वविद्यालय। दीपक वर्मा जी का, सरकार सिर्फ वोट देखती है, जमीन काम से सरकार को कोई मतलब नहीं रहता, ये बात तो आपकी सही है दीपक जी, लेकिन अगर आप सरकार के साथ संवाद करेंगे तो सरकार आपकी बात भी समझ पाएगी। ऐसा नहीं है सरकार सुनती नहीं है, सरकारें सुनती हैं, लेकिन यह है कि अपने तत्कालिक स्वार्थ के हिसाब से ज्यादा उनके फैसले होते हैं। आप में से कोई भैया तो कमाल के वक्त हैं। नॉन पॉलिटिकल हो के भी इतनी बढ़िया बात कर देते हैं, ये बड़ी बात है। नहीं। हमारी कोशिश है, बहुरानी लोग आप में से कोई बात, पानी में चक्कर मत पड़िए, ठीक है, ये बहुत बहुत बढ़िया बात हो रहा है और आने वाले कई सालों के लिए लोगों के लिए एक बहुत अच्छा संवाद होगा। कोई अगर आप में से कुछ कहना चाहते हैं तो माइक आप ले लीजिए स्वतः और अपनी बातें रखिए, और नहीं रखेंगे तो फिर हम उसी का, हाँ आखिर में आप बोलेंगे। आप में से बहू, आप तो बोलना ही चाहिए आपको, थोड़ा बहू से बुलवाइए। ये तो जब मार्केटिंग की जब आएगी देखते हैं, अभी थोड़ा कोविड काल से उभरे हैं, मार्केटिंग मार्केट में भी अफरा मन का और अपना सामने कुछ को लेकर, सोसाइटी को लेकर के, जब आप पढ़ाई लिखाई करती थी तो आप क्या सोचती थी एज अ वोमेन, शादीशुदा स्त्री होकर के अपनी पीढ़ी को आप क्या कहोगी, कैसे जिंदगी के बारे में सोची आपकी पीढ़ी? हाँ, ये दो चार बात आपको अगर मन में हो तो साझा करिएगा। पति तो आपके बहुत सीधे लग रहे हैं, ऐसा बोलने में बहुत आसान लगता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा जो परिवार है वो बहुत अच्छा है, बहुत एजुकेटेड है, और जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तब मैंने MBA शुरू किया था, उसके बाद शादी के बाद भी मैंने उसको परस्यू किया जो बचा था, और सभी ने मेरा साथ दिया उसे पूरा कंप्लीट करने में। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो शादी के बाद जो लोग सोचते हैं जो लाइफ होती है वो एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, वो हर परिवार में अलग अलग होता है, हर किसी की फैमिली के हिसाब से अलग वो होता है। और आप भी किसान परिवार से ही आती है, कुक्षी के पास हमारा है, वहाँ से ही। हाँ, मेरी फैमिली में भी मेरे पापा का नाम महेंद्र जी पाटीदार है, वो अंबाड़ा से है और वो भी फार्मिंग ही करते हैं, मूल रूप से किसान। एक मुझे आपसे कहना, आप दोनों पति पत्नी से, कि एक अच्छा सा फेसबुक पेज बनाइए जिसमें आपका ब्रांड भी मेंशन हो और सारा जो प्रोसेस होता है कृषि का, दो दो तीन तीन मिनट का कुछ वीडियो, जब खेत पे जाइए काम करते हुए देखिए तो उसे अपडेट करिए, साथ में कृषि के क्षेत्र में कुछ नया आपको जानने को मिला है, समझने को मिला है, कुछ प्रयोग आपको समझ में आ रहा है, तो वो लोगों को अवेयर करिए। और एक काउंसलिंग के तौर पे, काउंसलर के तौर पे जो छोटे छोटे किसान हैं, कई बार सबके पास उतना विचार नहीं होता है, समझ नहीं होता, उनकी एक सहायता हेल्पलाइन क्या कहते हैं, हाँ इस तरह का सहायता केंद्र की तरह आप कुछ कार्य करेंगे तो वो बहुत अच्छा उनको बिल्कुल लगेगा और उनको फायदा मिलेगा। तो बहु रानी होगी, आप में से कुछ कहना है, आप कितनी प्यारी हैं। अम्मा तो हमारी बहुत अच्छे है, मम्मी पापा दोनों बहुत अच्छे है, कभी हमने हमारी मम्मी को याद नहीं किया, इतना अच्छा सा लाड़ प्यार दिया, कभी सोचा भी नहीं था हमने कि हम ऐसे रहेंगे। पहले तो यही सोचा था कि किसान के घर जा रहे हैं तो हो सकता है किसान जैसे रहें,
लेकिन वो लाइफ नहीं थी हमारी। बहुत मौज वाली लाइफ, बहुत सुंदर। कुछ कहना है? मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से अनाज का जो समर्थन मूल्य रहता है जी, है ना, जैसे गेहूँ है, चना है, बाजरा है, इनका जो न्यूनतम मूल्य जो गवर्नमेंट जो है ना वो निर्धारित करती है, उस रेट से यदि नीचे यदि मार्केट में बिकता है तो गवर्नमेंट खरीदती है उस किसान के पास से। ऐसे ही सब्जियों का और फ्रूट का भी होना चाहिए कि यदि उससे न्यूनतम मूल्य कुछ निर्धारित होना चाहिए। अभी क्या है कि अमरूद में ऐसा चल रहा है कि अभी सभी किसान लाश में जा रहे हैं, तो सब्जी में भी कई बार ऐसे हर साल मौके आते हैं कि लाश में जाते हैं, रास्ते में बैगन लगा हुआ, हाँ, फेंक रहे हैं वो, उसको प्रोसेस कर सकते। तो गवर्नमेंट यूनिट डाले, खुद डाले और किसानों से खरीद के और फिर प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करे। छोटी बहू और छोटी बेटा, बोल रही है फिर मैं बोलूंगी। नर्मदे यार। अच्छा मजेदार बात है कि खाली बड़ी बहू नहीं बोली है। बोलेगी वो। हॉर्टिकल्चर क्राप लगाई हुई है पूरी 100 बीघे में, उसमें ड्रैगन फ्रूट नया अभी कुछ लगाया हमने, 600 पोल ड्रैगन फ्रूट अभी लगाया मैंने ट्रायल के लिए, जो एक साल का हुआ है, जिसका फ्रूट अभी लेके आ रहे हैं, वो एक फ्रूट है गुरु जी के देना है। तो गवर्नमेंट का अभी उसमें सब्सिडी या कुछ आई है प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो किसानों तक अभी आया नहीं है। तो सरकार से ये है कि वो आप कम से कम उनको किसानों को प्रमोट करने के लिए कुछ सब्सिडी दे, क्योंकि उसमें खर्च बहुत है, 5 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ का बेसिक खर्च है उसमें, उसके बाद ही वो किया जा सकता है और किसान इतना कर नहीं सकते। तो कम से कम गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे और ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रमोट करे। दीपक वर्मा जी कह रहे हैं, स्वामी जी पूरी नर्मदा परिक्रमा का सबसे अच्छा विषय आपने आज साझा किया, किसानों को लेकर के इतनी अच्छी परिचर्चा और एक अच्छा परिवार, जो परिवार के सभी लोग कृषि कार्य में अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। अभी तीनों ब्रदर मिलके 300 बीघे जमीन में पूरा हॉर्टिकल्चर क्राप ही कर रहे हैं, जिसमें मौसम्बी है, वीएनआर अमरूद है, गोल्डन सीताफल है, और ट्रायल के लिए अभी कुछ हमने ड्रैगन फ्रूट लगाया है, उसमें 3 वेराइटियां हैं, एक तो साउथ से लेके आए हैं आंध्रा से, और 2 वेराइटियां एक श्रीलंकन है, एक वियतनाम की, ऐसी 3 वेराइटियां ट्रायल के लिए लगाई है जो साल भर की हुई है, और नेक्स्ट ईयर इसका बारिश से इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। अब छोटी बहू रानी कुछ सुनाई कहानी। नर्मदे हर। ये मेरा छोटा सा परिवार है तो बड़ा, पर बहुत छोटा है। तो पापा और मम्मी आज जब से आए तब से बहुत प्यार दिया है, अच्छे से रखा है, हमारे मायके की याद नहीं आई। और ये बड़े भैया, बड़ी भाभी, ये छोटी बड़ी भाभी नहीं है, मेरी बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है, हम तीनों कहीं भी जाते हैं साथ में जाते हैं, छोटा सा भी सामान लेते तीनों मिल के लेते, एक दूसरे को पूछ के लेते, कभी इतना सा भी खाना बनेगा छोटा सा, छोटे से प्रोग्राम में चाहे जैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो, सभी साथ में रहते हैं। और अभी तक सबसे छोटी मैं थी, अब श्रुति हो गई है। हाँ, अब ये श्रुति हो गई है, अब ये मेरी बेटी है, ये आ गई है, एक बेटी और आने वाली है, बेटे की सगाई हो गई है, बस। कुछ दो शब्द बड़े लोग होते हो, दो ही शब्द नर्मदे हर। मुझे बहुत खुशी हुई आप आए हमारे घर, पधारे, हमारे हमारा परिवार बहुत अच्छा है, मम्मी पापा ने हमको शुरू से बेटियों जैसा रखा, बहुत लाड़ दिया और हम सब बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया। बाबूजी के साथ अब हम लोग रूबरू होंगे और सूरज भाई। हाँ मम्मी तो भूल ही गई, अरे अम्मा जानती क्या गड़बड़ क्या हुआ। नर्मदे हर। मेरा मेरी शादी 1962 में हुई, उसके बाद में मेरे ससुर पेरालिसिस में थे, जब मैं ससुराल आई, मेरी 2 सास थी,
मैंने पैरालिसिस थे उनकी बहुत सेवा करी। उसके बाद में 64 में मुकेश हुआ, बड़ा बेटा पैदा हुआ 64 में। ऐसे दो दो साल के अंतर से सब बेटे हुए। तो मेरा देवर भी बहुत छोटा से जब मैं आई तो मेरे साल भर मेरे पास सोया, मेरे थाली में खाना खाता था। इतना मैंने मेरे देवर को भी लाड किया कि मैं छोटे भाई को छोड़ के आई हूँ, यही मेरा छोटा भाई है। उसके बाद में मैंने बहुत संघर्ष किया, मैं अलग हुई, मेरे को कुछ नहीं था, मेरे पास 60 बीघा जमीन थी, उससे इतना बढ़ाया मैंने। बस फिर क्या, ये जमीन जायदाद बढ़ाती रही पूरा जीवन में, नहीं ये खराब, मेरे बेटे बहुत अच्छे जो संभाल लिए सब जमीन जायदाद को। ये भी जरूरी था और आपने बहुत बहुत अच्छा किया बताया। ये सारी प्रॉपर्टी बढ़ाने में पापा के कंधे से कंधा मिलाकर जितनी भी हमने जमीनें बढ़ाई, जो पैतृक थी उसमें बढ़ाते बढ़ाते उनमें कुएं खुदवाए, बाद में बहुत सारी कुएं खुदाने के बाद कुएं को बांधने का काम रहता है वो कराया, तो फिर बगीचे भी लगाए, तो सब में मम्मी पूरी तरह से कहने का। मुझे बताया कि बड़े भैया जो मुकेश भैया, कि कोई भी विंडो ऐसा नहीं है जहाँ से एक्स्ट्रा इनकम हमारे फैमिली में आता है। किसानी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, आय का जरिया कोई नहीं है। और जब इतना बड़ा घर कोई देखेगा दिल्ली बॉम्बे में छोटा बड़ा किसान सोचेगा कहाँ से लूट के लाते हमारा एक नए पैसे का भी कोई किराए का भी नहीं। इंदौर में सब घर है, हालांकि हम रहते हैं मनावर में, सभी दूर जमीनें वगैरह भी है हमारी, लेकिन कहीं से एक नए पैसे की कोई रेंट की भी किराए का रेंट भी नहीं आपको मतलब? हाँ, मतलब कहीं हमारा रेंट भी नहीं कि हमने जगह जगह कहीं मकान बना के किराए से हमारी पूर्ति है। जो जितना जो दिख रहा है वो सारा एग्रीकल्चर इनकम ही है, और पूरी साफ नियत से जो सब पूरे करते आ रहे हैं, ऊपर वाला भी दे रहा है, फायदा भी होता है, कई सालों लाखों का नुकसान भी होता है। 20-20 लाख का नुकसान बिल्कुल। ये हमने 2004 में वेनिला लगाया था, पापा और मैं और ड्राइवर, हम कम से कम कर्नाटका और केरला की बॉर्डर ऐसे हिली एरिया में गए कि जहाँ इतनी गहरी खाइयाँ थी कि सुपारी के और नारियल के पेड़ माचिस की तिल की तरह दिखते थे, इतना नीचे उतरते थे कहीं आसमान में, इतने ऊंचे पहाड़ों पे मडिकेरी से लगा करके मैसूर के और केरल के बीच में, तो वहाँ पे नेचुरल वेनिला हो रहा था, जो हम आइसक्रीम वगैरह और इसमें लेते हैं सिंथेटिक फ्लेवर होता है, और उसकी खेती के लिए हम नेचुरल बीन्स उसकी जो पैदा होती है उसकी स्टडी के लिए गए थे, और हमने आ करके 1 हेक्टेयर में लगाया भी था नेट हाउस बना के। 1.5 साल में चालू होता है वो, उसके वैसे ही 3 महीने में ही मतलब वो हुआ, लेकिन उसको क्या है कि फरवरी मार्च से लगा करके सेप्टेम्बर तक उसका टेम्परेचर डे नाइट का 10 डिग्री से ज़्यादा उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी जो पॉड फलियाँ रहती है वो गिर जाती है। और उस समय जनरेटर चलाना भी मुश्किल था, बिजली बहुत ही कम मिलती थी 2004-5 में, तो इसलिए फिर हमको उसको लॉक लगा के और पूरा जानबूझ के उसको कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हमको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा, तो उसमें हमको कम से कम 22-25 लाख का लॉस गया था। और वैसे भी जो आधुनिक खेती धनिया जीरा राई सरसों जड़ी बूटियों में मेंथा का डिस्टिलेशन यूनिट भी लगाई थी, लेमन ग्रास वगैरह, काल मेक, सफ़ेद मूसली, एलोवेरा और धनिया जीरा राई सरसों से लगा के टमाटर और सनफ्लावर की मतलब क्रॉसिंग प्लॉट वगैरह पोलिनेशन करना, और मिशन एक चलता है, हम एक पापा का शुरू से सिद्धांत रहा कि किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा सा आप लगाओगे तो ट्रायल करोगे, पर कुछ दिन इंटरेस्ट रहेगा तो उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पर कुछ या तो कोई चीज़ ऐसी लगती है कि हम कर सकते हैं यहाँ के क्लाइमेट में हो जाएगी, तो उसको फिर हम पूरा इतने लार्ज स्केल पे करते हैं, तो कभी कभार उसमें लॉस भी होता है। और माहौल ऐसा ही चल रहा है, अभी कोविड के समय पे भी काफ़ी किसानों को लॉस हुआ, जो फसलें तैयार थी खेत में ही रह गई थी। एक कमेंट आया स्वामी जी, इस किसान परिवार का हार्दिक अभिनंदन, यदि फूड प्रोसेसिंग यूनिट का कोई उपक्रम आप लोग लगाना चाहते हैं तो सरकार की KVIC स्कीम का लाभ उठाएं, या ग्रामीण क्षेत्र हेतु कुछ प्रकल्प सरकार आरंभ किया है। प्रेम द्विवेदी जी हैं, धन्यवाद द्विवेदी जी। और इसमें जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जैसे NHB है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर NMPB करके हैं, और इसी तरह से अन्य योजनाएं भी चलती है, पर जहां तक जो जिस किसी चीज़ को अगर बढ़ाना है तो जो किसान
लार्ज स्केल पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं कि उनकी कोई इंडस्ट्रीज है, उनकी ज़मीनें हैं तो उनके तो पैसे की लॉस भी गए, तो वो इतने लाखों का करोड़ों का फायदा खेती में बता देते हैं, वो हम हमारे लिए वो कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। और एक नेताओं के यहाँ भी आप देखोगे उनके सारे बिल्स मिल जाएंगे, एक किलो आम नहीं पैदा हुआ और वो दुबई के बिल लगा देंगे, हमने इतने करोड़ का लाख का माल भेज दिया। हम सब मतलब तो वो चीज़ मायने नहीं रहती जो हकीकत में वास्तव में पूर्ण रूप से खेती पर डिपेंड है, खेती किसानी करके अपना जीवन बसर कर रहा है, और उनको देखते हुए जो वास्तव में कर रहे हैं उनको सरकार ने विशेष ध्यान देके उसको प्रमोट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और उनके द्वार जाके आप उसको करिए। हम कई योजनाएं सरकार की आती है, जो ऑटो का लाभ लेने का रहता है तो डोर टू डोर उसकी कैंपेनिंग होती है, लेकिन इस चीज को जो कर रहा है उसके तक सरकार के बंदे पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, और उसमें क्या कर सकते हैं बराबर, उसमें निश्चित रूप से सरकार को मिलेगी और हम भी आम किसान भी जो छोटे किसान है वो भी उसका लाभ ले पाएंगे। और ये किसान का जो संघर्ष है और किसान का जो योगदान है, संघर्ष में साथी बने और योगदान को अगर आप मेंशन नहीं करेंगे, आप उसके लिए थैंक्सफुल नहीं रहेंगे, तो फिर जो आप पैसे के दम पे सोचते हैं कि सब कुछ आप हासिल कर लोगे, पैसे आपके बैंक में बहुत रहेंगे लेकिन बाजार में आपको कुछ होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो इस बात को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए, और किसान के कार्य हेतु, उनके योगदान हेतु आप सच में बहुत थैंक्सफुल रहिए किसानों के, हाँ, चाहे वो छोटे किसान हो या बड़े किसान हो। अम्मा आपकी बातें कुछ थोड़ी बहुत अधूरी शायद रह गई हैं, पूरी हो गई, तो अब बाबूजी के पास हम लोग आते हैं और बाबूजी के साथ इस पूरे लाइव इंटरेक्शन का डिस्कशन का एक जो समायोजन है। हमारे परिवार के अधिकतर सदस्य विदेश यात्राएं कर चुके हैं और मैं भी 11 देशों की यात्रा कर चुका हूं, तो मैंने विदेशों में देखा, यूरोप वगैरह में, सब किसानी के पैसे से, किसानी के पैसे से। हमारे परिवार में एक भी पैसा बेईमानी का या गलत तरीके से या बिजनेस का बिल्कुल नहीं है। और मैंने फ्रांस वगैरह में देखा, वहाँ 2005 में हम गए थे तो वहाँ 200-250 रुपये किलो प्याज बिक रहा था। एक लोकेश जी कह रहे हैं मैं जैविक खेती करना चाहता हूं और TCDT की ओर से अग्रसर हो, इसमें पंचमहाभूत के द्वारा उत्पादित अन्य, हम आपको नंबर शेयर करेंगे लोकेश जी और आप बात करिएगा सीधे भैया से। हाँ, ये ताराचंद बेल जी के बारे में कह रहे हैं, उनकी टेक्निक भी अच्छी है। तो मैं ये कह रहा था कि 2005 में मैंने वहाँ फ्रांस में पूछा था, 200-250 रुपये किलो तो प्याज बिक रहा था, 250-250 रुपये किलो में केला बिक रहा था जी। तो अगर प्रोसेसिंग यूनिट गवर्नमेंट डालती भी है या डलवाती भी है किसी कंपनियों से, तो अभी उतना उपज का उतना उसमें खपत नहीं हो सकती। अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो ही किसानों को सही पैसा मिल सकता है, और उसके लिए अगर ये वीडियो अगर केंद्रीय सरकार के पास दिल्ली पहुँचता है तो मेरा मोदी जी से और सभी नेताओं से निवेदन है कि किसानों की अगर दशा सुधारना है तो उसका एक ही उपाय है, मेरे विचार से एक ही आदमी है जो किसानों की दशा सुधार सकता है वहाँ की सरकार में, और वो है नितिन गडकरी। इतना मैजिक मैन है कि वो जो भी मंत्रालय दिया जाता है उसमें इतना आश्चर्यजनक काम करता है कि दुनिया से आगे निकल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको कृषि मंत्री बनाया जाए, है ना, उनका विभाग दूसरे को दे दिया जाए और वो इतना जादूगरी करेंगे इसमें कि किसानों को करोड़पति बनाने में देर नहीं करेंगे, इतना एक्सपोर्ट करेंगे, इतना प्रोसेसिंग करवाएंगे। मेरा निवेदन है कि आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, क्रॉप करिए पार्ट और बाबूजी की इस अपील को, PMO को, नितिन जी को और जो भी जरूरी लोग हैं उनको टैग करिए, ताकि इस दिशा में सरकार सोचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचे, क्योंकि फिलहाल अभी हमारे पास क्रॉप करके अलग से पैक करने का, एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, ट्रैवल करें लगातार रोज, तो आप लोग ये योगदान अपना प्रदान कर दीजिए। एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे हमने सुपर गोल्डन सीताफल लगा रखे हैं जो 1 किलो तक का होता है और बहुत टिकाऊ होता है, एक्सपोर्ट वेराइटी है, उसका ढंग से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत होता होगा महाराष्ट्र से तो होता होगा, अने आज से जब हमने लगाया था 4-5 साल पहले, जिसका 1 किलो वाला जो फल है करीब 225-250 रुपये का एक फल बिकता था, वो अभी जा रहा है करीब 25-30 रुपये में। और जो VNR अमरूद जो है, जो रायपुर से निकला हुआ था, है तो वो थाईलैंड से, तो उसका उस समय 150 रुपये या उससे ऊपर भाव रहता था पर केजी का, उसका अभी 30-35 रुपये किलो भाव है।
और उसमें इतना खर्च लगता है कि लाख डेढ़ लाख रुपया एकड़, तो उसका बैगिंग वगैरह ये वो, बैगिंग करने में एक एक फल को तीन तीन कवर लगाना पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसान बहुत लॉस में जा रहे हैं इस साल। ये जो हॉर्टिकल्चर करने वाले तो बहुत ही लॉस में जा रहे हैं, जिस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और मेरी एक ही मांग है बस कि नितिन गडकरी जी को कृषि मंत्रालय दे दिया जाए, वो किसानों की दशा सुधार देंगे, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, बस उनका विभाग किसी और को दे दे, ये सरकार से निवेदन है, दिल्ली सरकार से। बहुत बहुत साधुवाद आप सब, बहुत पर्याप्त समय हमारे साथ साझा किए, और यकीन मानिए मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि अभी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस शब्द को उपयोग करके आप सबके प्रति साधुवाद धन्यवाद व्यक्त कर पाए। हाँ कुछ आया है, हाँ। जय हो। ये देखिए ऐसा लग रहा है चाइनीज फ्रूट है, लेकिन हिंदी में इसका नाम कमलम, मोदी जी ने कमलम इसका नाम रखा है, क्योंकि उसकी लीव्स थोड़ी कमल टाइप है, इसलिए कमलम इसको दिया गया। अभी इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ, हम लकली कभी इसका सेवन नहीं किए, परिक्रमा के दौरान सड़क पर ये दिखा मुझे, तो मैंने पूछा कि क्या है, तो बोला गया ड्रैगन फ्रूट है। फिर मैंने कहा कि फ्रूट है तो फ्रूट तो खाने वाली चीज़ है, मैंने लिया एक पीस, करीब एक पाव या आधा किलो का था, 50 रुपये लिया था उन्होंने समथिंग। हाँ फिर हम लिए, इसको धुले, जैसा कि धुला जाता है हर चीज़ खाने से पहले, हम कह इसको शुरू कहाँ से करें। फिर मैंने इसको तोड़ा, फिर देखा इसमें रस ही नहीं था, तो हमने फिर उसको थोड़ा और खोला, मैंने कहा अंदर वाला हिस्सा लग रहा है, ठीक है। अमूमन क्या होता है, जो कवर ढका रहता हुआ वो है ना फ्रूट होता है और रसीला होता है, उसके छिलके से भी हम रस निकालने की कोशिश करते, तो हमने छिलके से रस निकाला तो कुछ था ही नहीं उसमें। रेड था कि वाइट था अंदर से? अंदर से एकदम रेड था, हाँ तो डार्क रेड था, तो उसके छिलके में कोई टेस्ट नहीं है, हम कहा छिलका तो यूजलेस है, ठीक है हटाओ। फिर जब उसके अंदर खाए, इतना प्यारा इसका 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 बहुत सुंदर, बहुत ही इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम अलग है, बहुत फायदेमंद है। इसमें अंदर रेड रेड कलर भी आता है, वाइट भी आता है, येलो भी आता है। अच्छा तो रेड वाइट येलो आता है। फिलहाल अब बातचीत को लंबा नहीं करेंगे, इसके साथ हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, गिफ्ट लेते हुए, और वो डालेंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बहुत लोग देखते हैं, और इसका प्रचार होगा, और मोदी जी ने जो इसको नया नाम दिया है उसका कमलम, हाँ क्या कमलम 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 को दुनिया जानेगी कि इसको कमलम भी कहते हैं। सीताराम नर्मदे हर, एक बार अच्छे से मुस्कुराते हुए आप सबको साधुवाद, और साथ में सूरज भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक सुंदर वक्त इस पूरे सामूहिक हाँ बातचीत में साझा करने का अवसर दिए। जी नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।